आज हम इस वीडियो पर डिस्कशन करने वाले हैं कि झुलसा का प्रकोप देखिए बैकग्राउंड पर ये किसानों को बहुत परेशान करता है। आज हम इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे कि इसके लिए कौन सा दवा का हमको उपयोग करना चाहिए, किसान कौन सा दवा का उपयोग करें तो अच्छा से अच्छा बेहतरीन काम करें हमारे फसल पर। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे किसान भाइयों को मैं बताने वाला हूँ कि इसके लिए कौन सा दवा का उपयोग करें। देखिए पीआई कंपनी की तरफ से आने वाली विस्मा दवा आ गई है अभी मार्केट पर, एकदम बिल्कुल ही नहीं आई है। और क्या है ना कि इसका हमने उपयोग हमारे खुद के प्लॉट पर किया है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिला है। हमारे किसान भाई इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर जानेंगे इस दवा के बारे में कुछ विशेष बातें। तो चलिए किसान भाई वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे झुलसा बीमारी के बारे में। झुलसा बीमारी एक ऐसी बीमारी रहती है जो कि फसल को खराब भी कर सकती है। इसको अगेता झुलसा भी बोला जाता है। जो पीआई कंपनी की तरफ से आने वाली विस्मा जो दवा है इसको आप सभी फसलों में हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। सभी फसलों में झुलसा का प्रकोप देखने को मिलता है, जो कि झुलसा बीमारी है ना वो सभी फसलों पर हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है। अगर हमारे किसान भाई अगर इसका स्प्रे करते हैं और आपको लगे कि स्प्रे करना चाहिए, अगर हमारे किसान भाई को जरूरत पड़े तब जा करके आप दूसरा स्प्रे करेगा, लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी का कहना ये रहता है कि आप इसको एक स्प्रे पे झुलसा जो हमारे किस फसल पर देखने को मिलेगी उसको आप ये दवा एक स्प्रे में सही कर देती है। ये जो हमारे विस्मा दवा है ये क्या करता है कि पौधे को मजबूत करता है, प्लस पौधे में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि भी लाता है। और हमारे किसान भाई इस दवा का उपयोग जरूर ही करिएगा। हमने इसका दवा का उपयोग खुद किया है अपने प्लॉट पर, रिजल्ट हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और हमारे किसान भाई सोच भी रहे होंगे ना कि ये वीडियो प्रमोशन वीडियो, बिल्कुल ही प्रमोशन वीडियो नहीं है। हमारे किसान भाई की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, कमेंट आता है हमको और दवा अच्छा से अच्छा हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ। अभी बात करते हैं कि एक एकड़ में कितना लगेगा। 200 लीटर पानी में आप 200 ml इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। रेट की बात करें 200 ml ही आता ही है, ठीक ना, एक छोटा डिब्बा रहता है 200 ml रहता है। और रेट की बात करें तो रेट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, 1200 रुपये आसपास इसका पड़ता है, 1200 रुपये इसका आसपास पड़ता है। लेकिन हाँ, दवा अगर अच्छा काम करे तो रेट, जो दवा का रेट लग रहा है अपने को ना, वो कम लगता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ दवा भले एक्सपेंसिव थोड़ा महंगी दवा का उपयोग करें लेकिन काम अच्छा प्लॉट पर कर रहा है। तो चलिए किसान भाई आज वीडियो में बस इतना ही। मैंने इस वीडियो पर बताया कि झुलसा जो बीमारी रहती है उसको हमारे किसान भाई कैसे ठीक करें और अच्छे से अच्छा दवा के बारे में आज हम इस वीडियो पर डिस्कशन किए हैं। तो चलिए किसान भाई आज वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा अच्छा वीडियो लाइक जरूर से करिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है सुझाव नीचे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए किसान भाई आज वीडियो में बस इतना ही।